ठीक 10 बजे जालपा और देवीदीन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की काफी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदों में और सामने के मैदान में खड़े थे। जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी। देवीदीन बरामदे में खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब के एक तरफ अहलमद था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतजार कर रहे थे। मुजलिमों की संख्या 15 से कम ना थी। सब कटघरे के बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ियां थीं, पैरों में बेड़ियां। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। दो पंजे लड़ा रहे थे, दो में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी प्रसन्नचित्त थे। घबराहट, निराशा या शोक का किसी के चेहरे पर चिन्ह भी ना था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जाब्ते की कुछ बातें हुई, फिर दो एक पुलिस की शहादतें हुई। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी सी फैल गई। कोई तंबूली की दुकान से पान खाया हुआ भागा। किसी ने समाचार पत्र को मरोड़कर जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए। जालपा भी संभल कर बारजे में खड़ी हो गई। वह चाहती थी कि एक बार रमानाथ की आंखें उठ जाती और वह उसे देख लेती, लेकिन रमानाथ सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर उधर देखते डर रहा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हुआ इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा है और भागने की कोई राह नहीं है। जालपा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो। रमानाथ का बयान शुरू हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी। दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिए। तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फक कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही वह एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर टिक गई, मगर फिर दिल ना माना। जंगली पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी जिसका आशय वह देवीदीन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रमानाथ की आंखें ऊपर उठ जाएं, लेकिन रमानाथ का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज पहचान ली या आत्मग्लानि का भाव उदय हो गया। उसका स्वर भी कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने जो जालपा के साथ ही बैठी थी नाक सिकोड़ कर कहा, जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दें। ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस अभागे देश में पड़े हैं जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधों के गले पर छुरी फेरने से भी नहीं हिचकते। जालपा ने कोई जवाब ना दिया। एक दूसरी महिला ने जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी निराशा के भाव से कहा, इस अभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नरी तो लाला को कहीं मिल नहीं जाती, अधिक से अधिक कहीं क्लर्क हो जाएंगे, उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई मर भूखा नीच आदमी है, पल्ले सिर का कमीना और छिचोरा। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुरा कर कहा, आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो। ऐनकबाज देवी ने उद्दंडता से कहा, नाक काट लूं, बस नकटा बना कर छोड़ दूं। और जानती हो मैं क्या करूंगी? नहीं, शायद गोली मार दोगी। ना, गोली ना मारूं, सारे बाजार खड़ा करके 500 जूते लगवाऊं, चांद गंजी हो जाए, उस पर तुम्हें जरा भी दया ना आएगी? यह कुछ कम दया है, इसकी पूरी सजा तो यह है कि किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए। अगर ये महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते। एक वृद्धा ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा, क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो, वे घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला हो गया है,
कैसे कोई उसका गला दबाए हुए है। अपनी माँ या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़े। आदमी दिल का बुरा नहीं है, पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकाल रहा हो। एनक वाली महिला ने व्यंग किया, जब अपने पांव में कांटा चुभता है तब आह निकलती है। जालपा अब वहां ना ठहर सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर फफोले डाले देती थी। ऐसा जी चाहता था कि इसी वक्त उठकर कह दे, यह महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और इसी वक्त इसका सबूत दे दे। वह इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थी। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। क्यों वह इसी वक्त सारा वृतांत नहीं कह सुनाती? पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी। हो जाए, कुछ तो अदालत को ख्याल होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगा कि यह झूठी शहादत है। उसके मुंह से एक बार आवाज निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय ने उसकी जबान पकड़ ली। आखिर उसने वहां से उठकर चले आने ही में कुशल समझी। देवीदीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया और दया से सने हुए स्वर में बोला, क्या घर चलती हो बहू जी? जालपा ने आंसुओं के वेग को रोक कर कहा, हाँ, यहां अब नहीं बैठा जाता। हाथे के बाहर निकलकर देवीदीन ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सुंघा दी उस पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं हो सकता। जालपा ने घृणा भाव से कहा, यह सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब और तो कहीं अपील ना होगी? कैदियों का यही फैसला हो जाएगा? देवीदीन इस प्रश्न का आशय समझ गया। बोला, नहीं, हाईकोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जालपा एक वृक्ष की छांव में आके खड़ी हो गई। अब बोली, दादा, मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर सारा हाल कह दूं। शुरू से जो कुछ हुआ सब कुछ कह सुनाओ। मैं सबूत दे दूंगी, तब तो मानेंगे। देवीदीन ने आंखें फाड़कर कहा, जज साहब से? जालपा ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवीदीन ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहुजी, हाकिम का वास्ता, ना जाने चित पड़े या पट। जालपा बोली, क्या पुलिस वालों से यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कह तो सकता है। तो आज मैं उससे मिलूं? मिल तो लेता है। चलो दरियाफ्त करेंगे, लेकिन मामला जोखिम है। क्या जोखिम है बताओ? भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्जाम लगाकर सजा कर दे तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवीदीन ने जालपा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ा डर उसी का है। जालपा ने उद्दत भाव से पूछा, वह क्या? देवी, पुलिस वाले बड़े काफर होते हैं, किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर यह सब हाल कहेंगे जरूर। कमिश्नर सोचेंगे कि यह औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस की तंबीह करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चूं करते डरते हैं कि कहीं हमारे ऊपर ही बगावत का इल्जाम ना लग जाए। यही बात है, जज साहब पुलिस कमिश्नर से जरूर कह सुनावेंगे। फिर यह तो ना होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए, यही होगा कि कलई ना खुलने पावे। कौन जाने तुम्ही को गिरफ्तार कर ले। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कलई खोलने पर उतारू हो जाता है तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है। जालपा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय ना था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमानाथ पर अत्याचार ना करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया। उसे इस समय ऐसी थकन मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल मारकर आई हो। उसका सारा सत्साह बर्फ के समान पिघल गया। कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद उसने देवीदीन से पूछा, अब तो उनसे मुलाकात ना हो सकेगी? देवीदीन ने पूछा, भैया से? हाँ,
किसी तरह नहीं, पहरा और कड़ा कर दिया गया होगा, चाहे उस बंगले को ही छोड़ दिया हो। और अब उनसे मुलाकात हो भी गई तो क्या फायदा, अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते, दरोग हल्फी में फंस जाएंगे। कुछ दूर और चल के जालपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊं, यहाँ रहकर अब क्या करूंगी। देवीदीन ने करुणा भरी आंखों से उसे देखकर कहा, नहीं बहू, अभी मैं ना जाने दूंगा, तुम्हारे बिना अब हमारा यहाँ पल भर भी जी ना लगेगा, बुढ़िया तो रो रो कर परान दे देगी, अभी यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं इतना कच्चे दिल का आदमी नहीं समझता था, तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं, मुझे तो कोई 100 रुपया भी तलब दे तो नौकरी ना करूं, अपने रोजगार की बात ही दूसरी है, इसमें आदमी कभी थकता ही नहीं। नौकरी में जहां 5 से 6 घंटे हुए कि देह टूटने लगी, जमाइयां आने लगी। रास्ते में और कोई बातचीत ना हुई। जालपा का मन अपनी हार मानने के लिए किसी तरह राजी ना होता था, वह परास्त होकर भी दर्शक की भांति यह अभिनय देखने से संतुष्ट ना हो सकती थी। वह उस अभिनय में सम्मिलित होने और अपना पार्ट खेलने के लिए विकल हो रही थी। क्या एक बार फिर रमानाथ से मुलाकात ना होगी? उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वह उससे कहना चाहती थी। उसे रमानाथ पर जरा भी दया ना आती थी, उससे रत्ती भर सहानुभूति ना होती थी। वह उससे कहना चाहती थी, तुम्हारा धन और वैभव, तुम्हें मुबारक हो। जालपा उसे पैरों से ठुकराती है, तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी, उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं, तुम कायर हो, कायर। जालपा का मुखमंडल तेजमय हो गया, गर्व से उसकी गर्दन तन गई। वे शायद समझते होंगे, जालपा जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांधे घोड़े पर सवार देखेगी, फूली ना समाएगी। जालपा इतनी नीच नहीं है, तुम घोड़े पर नहीं आसमान में उड़ो, मेरी आंखों में हत्यारे हो, पूरे हत्यारे, जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई। मैंने चलते चलते समझाया था, उसका कुछ असर ना हुआ। ओह, तुम इतने धन लोलुभ हो, इतने लोभी, कोई हरज नहीं। जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इन्हीं संतप्त भावनाओं में डूबी हुई जालपा घर पहुंची। एक महीना गुजर गया। जालपा कई दिन तक बहुत विकल रही। कई बार उन्माद सा हुआ कि अभी सारी कथा किसी पत्र में छपवा दूं, सारी कलई खोल दूं, सारे हवाई के लिए ढा दूं, पर यह सभी उद्वेग शांत हो गए। आत्मा की गहराइयों में छिपी हुई कोई शक्ति उसकी जबान बंद कर देती थी। रमानाथ को उसने हृदय से निकाल दिया था, उसके प्रति अब उसे क्रोध ना था, द्वेष ना था, दया भी ना थी, केवल उदासीनता थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी शायद वे ना रोती। हाँ, इसे ईश्वरीय विधान की एक लीला, माया का एक निर्मम हास्य, एक क्रूर क्रीड़ा समझकर थोड़ी देर के लिए वह दुखी हो जाती। प्रणय का वह बंधन जो उसके गले में 2-2.5 साल पहले पड़ा था टूट चुका था, पर उसका निशान बाकी था। रमानाथ को इस बीच में उसने कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से जाते देखा। उसकी आंखें किसी को खोजती हुई मालूम होती थी। उन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना, पर जालपा ने कभी उसकी तरफ आंख ना उठाई। वह शायद इस वक्त आकर उसके पैरों पर पड़ता तो भी वह उसकी ओर ना ताकती। रमानाथ की घृणित कायरता और महान स्वार्थपरता ने जालपा के हृदय को मानो चीर डाला था, फिर भी उस प्रणय बंधन का निशान अभी बना हुआ था। रमानाथ की वह प्रेम विहल मूर्ति जिसे देखकर एक दिन वह गदगद हो जाती थी, कभी कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे में क्षीण मलिन निरानंद ज्योत्सना की भांति प्रवेश करती और एक क्षण के लिए वह स्मृतियां विलाप कर उठती। फिर उसी अंधकार और नीरवता का पर्दा पड़ जाता
उसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियां ना थीं, केवल कठोर नीरस वर्तमान विकराल रूप से खड़ा घूर रहा था। वह जालपा जो अपने घर बात बात पर मान किया करती थी, अब सेवा त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति थी। जग्गो मना करती रहती, पर वह मुंह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगा आती, चौका बर्तन कर डालती, आटा गूंद कर रख देती, चूल्हा जला देती। तब बुढ़िया का काम केवल रोटियां सेकना था। छूत विचार को भी उसने ताक पर रख दिया था। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ ना कुछ खिला देती। दोनों में माँ बेटी का सा प्रेम हो गया था। मुकदमे की सब कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। दोनों पक्ष के वकीलों की बहस हो चुकी थी। केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसकी तारीख थी। आज बड़े सवेरे घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर जालपा दैनिक पत्र वाले की आवाज पर कान लगाए बैठी थी। मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला है। इतने में देवी दीन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जालपा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमानाथ था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवी दीन ने पूछा, फैसला छपा है? जालपा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ है। तो किसको सजा हुई? कोई नहीं छूटा। एक को फांसी की सजा मिली, 5 को 10-10 साल और 8 को 5-5 साल। उसी दिनेश की फांसी हुई। यह कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बिचारों के बाल बच्चों का ना जाने क्या हाल होगा। देवी दीन ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन से मैं इन सबों का पता लगा रहा हूँ। 8 आदमियों का तो अभी तक ब्याह ही नहीं हुआ और उनके घर वाले मजे में हैं, किसी बात की तकलीफ नहीं है। 5 आदमियों का विवाह तो हो गया है, पर घर के खुश हैं। किसी के घर रोजगार होता है, कोई जमींदार है, किसी के बाप चचा नौकर हैं। मैंने कई आदमियों से पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है, अगर उनके घर वाले लेना चाहें तो दिया जाएगा। खाली दिनेश तबाह है, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया माँ और औरत। यहाँ किसी स्कूल में मास्टर था, एक मकान किराए पर लेकर रहता था, उसका खराबी है। जालपा ने पूछा, उसके घर का कुछ पता लगा सकते हो? हाँ, उसका पता कौन मुश्किल है। जालपा ने याचना भाव से कहा, तो कब चलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी तो वक्त है, चलो जरा देखें। देवी दीन ने आपत्ति करके कहा, पहले मैं देख तो आऊं। इस तरह उटक कर लेस मेरे साथ कहां कहां दौड़ती फिरोगी? जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ ना बोली। देवी दीन चला गया। जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगी, पर उसका ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पा जाएगा। जिस वक्त उसने फांसी का हुक्म सुना होगा, उसकी क्या दशा हुई होगी? उसकी बूढ़ी माँ और स्त्री यह खबर सुनकर छाती पीटने लगी होंगी। बेचारा स्कूल मास्टर ही तो था, मुश्किल से रोटियां चलती होंगी, और क्या सहारा होगा? उनकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रमानाथ के प्रति ऐसी उत्तेजना पूर्ण घृणा हुई कि वह उदासीन ना रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इस वक्त वह आ जाए तो ऐसा धिक्कारूं कि वह भी याद करे, तुम मनुष्य हो? कभी नहीं, तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो। राक्षस, तुम इतने नीच हो कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है। तुम इतने नीच हो कि आज कमीने से कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी ने पहले ही क्यों ना मार डाला? इन आदमियों की जान तो जाती ही, पर तुम्हारे मुंह में तो कालिख ना लगती? तुम्हारा इतना पतन हुआ कैसे? जिसका पिता इतना सच्चा इतना ईमानदार हो, वह इतना लोभी इतना कायर। शाम हो गई पर देवी दीन ना आया। जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी हो होकर इधर उधर देखती थी, पर देवी दीन का पता ना था। धीरे धीरे 8 बज गए
देवी ना लौटा। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रामानाथ ने उतरकर जग्गो से पूछा, सब कुशल मंगल है ना दादी, दादा कहाँ गए हैं? जग्गू ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह फेर लिया, केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रामानाथ ने सोने की चार चूड़ियां जेब से निकालकर जग्गू के पैर पर रख दी और बोला, यह तुम्हारे लिए लाया हूं दादी, पहनो, ढीली तो नहीं है। जग्गू ने चूड़ियां उठाकर जमीन पर पटक दी और आंखें निकाल कर बोली, जहां इतना पाप समा सकता है वहां चार चूड़ियों को जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियां पहन चुकी और अब भी सेर दो सेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत की कमाई से, किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सर पर नहीं लादी, नीयत नहीं बिगाड़ी, उस कोख में आग लगी जिसने तुम जैसे कपूत को जन्म दिया। यह पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने आए होंगे, समझते होंगे तुम्हारे रुपयों की थैली देखकर वह लट्टू हो जाएगी। इतने दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखें उसे नहीं पहचान सकी। तुम जैसे राक्षस उस देवी के जोग ना थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो इन्हीं पैरों जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, उसके सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे। तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आए होते, तुम्हें सजा हो गई होती, तुम जेल में डाल दिए गए होते तो बहू तुम्हारी पूजा कर दी, तुम्हारे चरण धो धोकर पीती। वह उन औरतों में है जो चाहे मजूरी करे, उपास करे, फटे चीथड़े पहने, पर किसी को बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो तुम्हें जहर दे देती। क्यों खड़े मुझे जला रहे हो, चले क्यों नहीं जाते, मैंने तुमसे कुछ ले तो नहीं लिया है? रामानाथ सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा, तब आहत स्वर में बोला, दादी मैंने बुराई की है और इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूंगा, लेकिन तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो उतना नीच नहीं हूं। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी सख्तियां की, मुझे कैसी कैसी धमकियां दी, तो तुम मुझे राक्षस ना कहती। जालपा के कानों में इन आवाजों की भनक पड़ी। उसने जीने से झांक कर देखा, रामानाथ खड़ा था, सिर पर बनारसी रेशमी साफा था, रेशम का बढ़िया कोट, आंखों पर सुनहरी ऐनक। इस एक महीने में उसकी देह निखर आई थी, रंग भी कुछ अधिक गोरा हो गया था। ऐसी कांति उसके चेहरे पर कभी ना दिखाई दी थी। उसके अंतिम शब्द जालपा के कानों में पड़ गए। बाज की तरह टूट कर धम धम करती हुई नीचे आई और जहर में बुझे हुए नेत्र बाणों का उस पर प्रहार करती हुई बोली, अगर तुम सख्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम कायर हो, तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। क्या सख्तियां की थी जरा सुनो, लोगों ने तो हंसते हंसते सिर कटा लिए, अपने बेटों को मरते देखा, कोलू में पेले जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई से जौ भर भी नहीं हटे। तुम भी आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए कि इसे गोली का निशाना बना लो? पर मैं झूठ ना बोलूंगा, क्यों नहीं सिर झुका दिया? देह के भीतर इसलिए आत्मा रखी गई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। पाप का क्या पुरस्कार मिला जरा मालूम तो हो? रामानाथ ने दबी हुई आवाज से कहा, अभी तो कुछ नहीं। जालपा ने सर्पनी की भांति फुफकार कर कहा, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, ईश्वर करे तुम्हें मुंह में कालिक लगाकर भी कुछ ना मिले, मेरी यह सच्चे दिल से प्रार्थना है। लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज ना करेंगे, तुम्हें कोई जगह मिलेगी और शायद अच्छी जगह मिले, मगर जिस जाल में तुम फंसे हो उसमें से निकल नहीं सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे भाग में लिख गया। जाओ शौक से जिंदगी के सुख लूटो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और आज फिर कहती हूँ कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई, बस जाओ। मैं औरत हूँ, अगर कोई धमकाकर मुझसे पाप कराना चाहे तो चाहे उसे ना मार सकूं, अपनी गर्दन पर छुरी चला दूंगी। क्या तुमसे औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं है? रामानाथ ने भिक्षुकों की भांति गिड़गिड़ा कर कहा,
तुम मेरा कोई उज्र ना सुनोगी? जालपा ने अभिमान से कहा, नहीं। तो मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं तुम्हारी खुशी? तुम मुझे क्षमा ना करोगी? कभी नहीं, किसी तरह नहीं। रामानाथ एक क्षण सिर झुकाए खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बरामदे के नीचे जाकर जग्गो से बोला, दादी दादा आए तो कह देना मुझसे जरा देर मिल लें, जहां कहें आ जाऊं। जग्गो ने कुछ पिघल कर कहा, कल यहीं चले आना। रामानाथ ने मोटर में बैठते हुए कहा, यहां अब ना आऊंगा दादी। मोटर चली गई तो जालपा ने कुत्सित भाव से कहा, मोटर दिखाने आए थे, जैसे खरीद ही तो लाए हो। जग्गो ने भर्त्सना की, तुम्हें इतना बेलगाम ना होना चाहिए था बहू, दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सूझता। जालपा ने निष्ठुरता से कहा, ऐसे हयादार नहीं है दादी, इसी सुख के लिए तो आत्मा बेची, उनसे यह सुख भला क्या छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं दादा से मिलकर क्या करोगे? वह होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता। जग्गो ने तिरस्कार के भाव से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती बहू तो मेरे मुंह से ऐसी बातें ना निकलती, तुम्हारा हिया बड़ा खटोर है। दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपका चुपका सुनता? मैं तो थर थर कांप रही थी कि कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ न चला दे, मगर है बड़ा गमखोर। जालपा ने उसी निष्ठुरता से कहा, इसे गमखोरी नहीं कहते दादी, यह बेहयाई है। देवीदीन ने आकर कहा, क्या यहाँ भैया आए थे? मुझे मोटर पर रास्ते में दिखाई दिए थे। जग्गो ने कहा, हाँ आए तो थे, कह गए हैं दादा मुझसे जरा मिल लें। देवीदीन ने उदासीन होकर कहा, मिल लूंगा, यहाँ कोई बातचीत हुई? जग्गो ने पछताते हुए कहा, बातचीत क्या हुई, पहले मैंने पूजा की, मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह फूलमाला चढ़ाई। जालपा ने सिर नीचा करके कहा, आदमी जैसा करेगा वैसा भोगेगा। जग्गो, अपना ही समझकर तो मिलने आए थे। जालपा, कोई बुलाने तो ना आया था? कुछ दिनेश का पता लगा दादा? देवी, हाँ सब पूछ आया, हबड़े में घर है, पता ठिकाना सब मालूम हो गया। जालपा ने डरते डरते कहा, इस वक्त चलोगे या कल किसी वक्त? देवी, तुम्हारी जैसी मर्जी, जी चाहे इसी वक्त चलो, मैं तैयार हूं। जालपा, थक गए होंगे? देवी, इन कामों में थकान नहीं होती बेटी। 8 बज गए थे, सड़क पर मोटरों का तांता बंधा हुआ था। सड़क की दोनों पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुषों बने ठने हंसते बोलते चले जाते थे। जालपा ने सोचा, दुनिया कैसी अपने राग रंग में मस्त है, जिसे उसके लिए मरना हो मरे, अपनी टेव ना छोड़ेगी। हर एक अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाए बैठा है, देश बह जाए उसे परवाह नहीं, उसका घरौंदा बचा रहे, उसके स्वार्थ में बाधा ना पड़े। उनका भोला भाला हृदय बाजार को बंद देखकर खुश होता। सभी आदमी शोक से सिर झुकाए, त्योरियां बदले, उन्मत्त से नजर आते, सभी के चेहरे भीतर की जलन से लाल होते। वह ना जानती थी कि इस जन सागर में ऐसी छोटी छोटी कंकड़ियों के गिरने से एक हलकोरा भी नहीं उठता, आवाज तक नहीं आती।